कासगंज में 26 जनवरी को हुए दंगे को लेकर जनपद एटा में भी अलर्ट। तिरंगा यात्रा और अन्य किसी भी तरह के जुलूस पर लगाई रोक। जनपद कासगंज में 26 जनवरी को हुए दंगे की वजह से आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर जनपद एटा में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जनपद में तिरंगा यात्रा और किसी भी तरह के जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। खुफिया तंत्र को भी अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह के सूचना मिले तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाए। जनपद के सभी अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जनपद में किसी भी तरह की अनहोनी होने की संभावना नहीं हो, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च करने की भी बात कर रहा है। सूचना के अनुसार एटा में कोई तिरंगा यात्रा का प्रपोजल नहीं है यहाँ पर, लेकिन सतर्कता रखी जा रही है, इंटेलिजेंस एक्टिव है, यहाँ पर सूचनाएं संग्रहित की जा रही हैं, सोशल साइट्स पे भी सोशल नज़र रखी जा रही है और हमारे पुलिस के लोगों को ड्यूटी लगाई गई है, थाना अध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है, सभी लोग सतर्क हैं। शांति व्यवस्था के लिए हम लोग सन्नद्ध हैं। शाम को फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जाएगा और बिना अनुमति के कोई अगर जुलूस वगैरह निकालता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम तो पूरी तरह अलर्ट पे हैं। होटल ढाबों की चेकिंग, आशा राय की चेकिंग, वाहनों की चेकिंग ये जारी है।